गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने 2011 का पेपर स्टार्ट किया था और आज इसे कंटिन्यू करेंगे। ये इसका पार्ट टू है। सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो सेक्शन बी का के 17 सम हमने कर लिए थे, ठीक है। तो अभी 18 सम है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको डी एक्स से डिवाइड कर देना थ्रू आउट, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया हुआ है। और इसको डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से आपने लिख लेना है। तो जब आपने देखा राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड को यदि हम देखें तो ये हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो वाई डैश क्या होगा, वी इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो वाई डैश क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करें आप y की, वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, ठीक है। और इधर से जो डी वाई, इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, सॉरी ये बनेगा हमारा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना हम सारी इक्वेशन नंबर वन में, तो ये हमारा बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरह से करना है बच्चों आपको। तो इसके बाद आप इस v को हम राइट में ले जाएंगे, ठीक है, इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली जो आएगा ये बन जाएगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से x जैसे कैंसिल हो रहा है ना, सभी में से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये सिंपली आपके पास बच गया। तो वेरिएबल सेपरेबल का लगाएंगे, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया आपने तो डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एक्स था, ये एक्स था, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर, और इसका होगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हो। तो इसको फर्दर सॉल्व करना है तो लॉग जैसे आपने रिमूव करना है आप कर सकते हैं, y की v की वैल्यू y अपॉन एक्स आप पुट करके वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इस तरह से आप पुट कर सकते हैं लॉग सी एक्स, ठीक है। इसके बाद लॉग रिमूव हो जाएगा हमारा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा x, सॉरी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस तरह से आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 19 सम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर। तो जब भी आपके पास इस टाइप के सम्स होते हैं सबसे पहले आप इसको अरेंज करें, तो जब आपने इसको डी वाई बाई डी एक्स में अरेंज किया तो आपके पास आएगा वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स। तो इसको वाई अपॉन एक्स को आप लेफ्ट में ले आएँ, वाई डैश में लिख देती हूँ इसको, वाई डैश इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा y डैश माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स हो गया। तो ये जो फॉर्म बनी y डैश प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बन गई आपके पास, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो p हमारा इसमें माइनस वन बाई एक्स है, q हमारा थ्री एक्स है। तो इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, ठीक है। तो ये आएगा e की पावर माइनस वन ओवर x डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर, इसको आप लिख दें, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e की पावर माइनस log x आ गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e की पावर log x, x की पावर माइनस वन, तो ये x की पावर माइनस वन आ गया क्योंकि e log वन होता है, तो वन बाई एक्स आ गया आपका। तो जो गिवन इक्वेशन थी हमारी ये वाली, ठीक है, वन की इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है फिर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको सॉल्व करके आपका थ्री एक्स आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ 20th सम, यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, आपको गिवन है, ठीक है। इसमें जो वर्टिसेस गिवन आपको, ये ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 5 एंड 5। तो आपने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फिर ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वैक्टर क्या होगा आपका, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ऐसे निकालना आपको सारा, ठीक है बच्चों।
तो ये कितना आएगा, 2 माइनस 1 ऐसे करेंगे, ठीक है, 2 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 2i कैप, चलो मैं लिख देती हूँ 3j+5k, इस तरह से एक मैं कर देती हूँ आपके लिए, i कैप + j कैप + 2k कैप यहाँ से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपका i + 2 कैप, लगा लेना ऊपर आप सभी के 3k। इसी तरह से जो AC वेक्टर है आपका, ये आ जाएगा 4j + 3k, ठीक है। तो एरिया ऑफ द AB × AC पहले आप निकाल लें क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका, i j k करके इस तरह से 1 2 3, और इसके बाद 0 4 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6i कैप - 3j कैप + 4k कैप आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालें आप, तो मैग्नीट्यूड आएगा इसका √61। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB × AC होता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपके पास √61² यूनिट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सम था। नाउ 21st सम है सेक्शन बी का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आपने। 2 वेक्टर्स गिवन है आपको, r⃗ = 1 - t, इस तरह से गिवन है आपको, i कैप + t - 2 j कैप + t - 2 t k कैप, और इसी तरह से दूसरा जो वेक्टर वो गिवन है s + 1 i कैप + 2s - 1 j कैप - 2s + 1 into k कैप, इस तरह से गिवन है आपको। तो बच्चों आपने इसको अरेंज करना है, इसको ऐसे लिखना है r = a + λb की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपने तो t कॉमन निकाल लेना है, तो r वेक्टर बनेगा i कैप - 2j कैप + 3k कैप + t - i - j और - 2k, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, प्लस जे, सॉरी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो इसी तरह से सेकंड जो लाइन बनेगी आपकी, सेकंड वाली, ये बनेगी i - j - -k, ठीक है, इस तरह से, प्लस s कॉमन आ गया आपका, i + 2j - 2k, इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जिसमें आपके पास जो ये वाला वेक्टर है, ये हमारा a1 है और ये b1 है, ये a2 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या था बिटवीन टू लाइंस, वो था b1 × b2, ठीक है, .a2 - a1, इस तरह से था बच्चों आपके पास। और डिनोमिनेटर से डिवाइड किसे करना है, b1 × b2 की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो a2 - a1 जब आप करेंगे, a2 - a1 आप जब करेंगे, ठीक है, तो ये i + 2j i - j - k - ठीक है, माइनस करने के बाद माइनस कितना आएगा आपके पास, i कैप + 2j कैप - 3k कैप, इस तरह से बच्चों आ जाएगा आपके पास। तो 0 j कैप, ये आ गया j कैप - 4k कैप आ गया, ठीक है। इसी तरह से b1 × b2 की आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी, i j k - 1 1 एंड - 2 बनेगा 1 2 एंड - 2, ऐसे आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करके आएगा 2i - 4j - 3k, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपने, b1 × b2 की जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस तो स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो ये बनेगा √29। तो अब इसके बाद शॉर्टेस्ट वैल्यूज पुट कर दें आप a2 - a1 की, जो कि आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी आपने, a2 - a1 j + डॉट प्रोडक्ट, पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, b1 × b2 हमने निकाला था, 2i कैप - 4j - 3k कैप निकाला था आपने, b1 b2 ये वाला, ठीक है, .j कैप - 4k कैप, ठीक है, अपॉन √29, ठीक है, इसका मोड। तो इसका इसको इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 - 4 + 12 का मोड अपॉन √same है आपका। तो इसको सॉल्व करके आगे 8√29/29 यूनिट्स, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करने। नाउ 22nd सम है प्रोबेबिलिटी का, इसमें आपको टेबल गिवन है ऐसे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स आपका, एक्स रैंडम वेरिएबल है, वैल्यूज है 0 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5
सिक्स जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें गिवन है, ये 0K, 2K, 2K, 3K, के स्क्वायर, 2K स्क्वायर और 7K स्क्वायर प्लस K, ये गिवन आपको। तो सबसे पहले आपने K निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, आपने K निकालना है। तो इनको सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, 1 होता है। तो इन सभी को आप ऐड करेंगे, 0 प्लस के, इस तरह से इन सभी को आप ऐड करेंगे, 2K प्लस 2K प्लस 3K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो आपके पास जो K की वैल्यू आएगी 1/10 n-1, जिसमें से इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, कंसीडर किसको करेंगे, 1/10 को ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये टेबल में हमने K की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3 पूछी है उसने, ठीक है। तो लेस देन 3 में क्या होगा, टेबल से देखो आप, लेस देन 3 में 0, 1, 2 वाले लगा दो आप इसमें, ठीक है। 0, 1, 2 की वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, लेस देन 3 है ना आपके पास, तो 0 से लेकर 2 तक हो गया। तो आप टेबल से देख के वैल्यूज़ क्या है, के की वैल्यू 1/10 है, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से के की वैल्यू 1/10 इस तरह से आप पुट करते जाएँ टेबल से, सिंपली 0 प्लस 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 6 निकालना है आपको। तो एक्स ग्रेटर देन 6 में तो प्रोबेबिलिटी एक्स 7 ही हो गया, तो ये कितना है, 7K स्क्वायर प्लस K है आपका, तो K की वैल्यू 1/10 इसमें डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें निकालना है 0 से 3 तक, 0 से 3 तक क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 होगी, तो ये 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10 होगा, ठीक है बच्चों। इसमें जो और वाला एक पार्ट आया था आपको, वो मैं सॉल्व कर देती हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई, ठीक है। एट मोस्ट 2 sixes इन 6 थ्रोज, मतलब इसमें जो है आपका n 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6, गेटिंग 1 6 इज इक्वल टू 1/6 है आपका, तो फिर ये p हो गया आपका, ठीक है। तो q कितना आएगा, 1 - p 1 - 1/6, ये 5/6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 sixes ये आपको निकालना है। तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 आपको करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस इसमें लगाना है आपने, एन सी आर एक्स की q की पावर n माइनस r p की पावर r, ठीक है। q हमारा 5/6 है देखो बच्चों, ठीक है, p हमारा 1/6 है। तो इसमें आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये आएगा 6c0 5/6 की पावर 6 माइनस 0 1/6 की पावर 0, फिर 6c1 5/6 की पावर 6 माइनस 1 1/6 की पावर 1, 6c2 5/6 की पावर 6 माइनस 2 1/6 का स्क्वायर। इसे आप सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में 35/18 5/6 की पावर 4, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी, ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें आपने यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस करने हैं, ठीक है। और इक्वेशंस आपको गिवन है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 है, और x प्लस 2y प्लस 3z इज 45 है, और 6x प्लस 2y इजी प्लस 3z इज इक्वल टू 70 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ये आपने किया हुआ सम काफ़ी सिंपल है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे पहले तो, ठीक है। ये एक्स वाई जेड हो गया और ये राइट हैंड साइड की कॉन्स्टेंट होगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो क्या आएगी, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 2 and 3, इस तरह से, ठीक है। और इधर से एक्स वाई जेड आ गया और राइट हैंड साइड की कॉन्स्टेंट्स लिख दो आप, ठीक है। तो ये बना ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का बना। तो एक्स क्या होगा आपका, ए इनवर्स बी होगा, और जिसमें ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, काफ़ी बड़ा सम है। तो इसको मैं सारा मैंने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे आपने निकालना है, ये 25 आएगा, इसको आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोफैक्टर्स निकालने हैं, जैसे कि 4 का कोफैक्टर क्या होगा, 6 माइनस 6
जीरो हो गया, ठीक है, तो सी वन वन हो गया ऐसे, ठीक है, सी वन वन आपका ऐसे, सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ गया, प्लस का साइन है, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने आते हैं बच्चों आपको सारे, तो इसी तरह से कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना आपने, तो ये मैंने डिराइव किया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आप अपना टैली कर लेना, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ब्रीफ में कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ये आ गया आपके पास, तो अब आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा के आपने, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 25 है, ये मैट्रिक्स फिर से लिखेंगे, 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 माइनस 10 10 एंड 5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो x की वैल्यू फिर क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगी, तो ये आ गया 1 बाई 25 ऐसे, 0 माइनस 5 5, जल्दी से फिर से लिख देते हैं इसको, माइनस 10 माइनस 10 10 एंड 5, और इधर से जो b आपका था 60 45 70 था, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना मैट्रिसेस को, मल्टीप्लाई करके तो लास्ट में आपके पास सॉल्व करके आंसर आएगा 5 8 एंड 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एक्स है एक्स वाई जेड, तो ये जो आंसर आया इसको आप गिवन इक्वेशंस में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक स्टेटमेंट वाला सम है आपके पास, 24th सम है, स्टेटमेंट वाला सम है, ठीक है। इसमें आया था एक विंडो है आपके पास जिसकी शेप है रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसकी ये बनी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो, मतलब जो विंडो का एरिया आपके पास है ए बी सी, ठीक है, डी ई, जो विंडो, ये सारी विंडो आपके पास, ये सारी जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, इसको आपने, इसका जो एरिया निकाल के उसको आपने क्या करना है, मतलब कि लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। सबसे पहले हम इसको यूनिट्स देते हैं, इसको मैंने बी ले लिया, ये मेरा बी है और ये भी बी हो गया, फिर मेरा और ये ए है, रेक्टेंगल है, आपको डायग्राम समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो टोटल पैरीमीटर क्या बना विंडो का, पैरीमीटर पहले निकालेंगे, इफ़ द पैरीमीटर गिवन आपको 12, पैरीमीटर क्या बना विंडो का, बी फिर प्लस ए फिर ये वाला ए फिर ये वाला बी फिर ये वाला बी, ठीक है, इस तरह से बना हमारा, प्लस 2b हो गया इज इक्वल टू 12 गिवन है आपको, तो यहाँ से आपने a निकाल लेना है, 12 माइनस 3b अपॉन 2, ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लेना है। अब आप इस जो है इस जो फिगर का, इस पिक्चर का हम एरिया निकालेंगे, विंडो का एरिया क्या होगा, एक तो ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा पहले, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है BCED, ठीक है, BCED, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, AB, और जो ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाली, इसका एरिया क्या होगा, अंडर रूट 3/4 b2। तो बच्चों इसमें a की वैल्यू डालें आप, ये क्या थी, 12 माइनस 3b अपॉन 2 इंटू बी, तो इस तरह से ये b का सारा फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है बच्चों। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें सारा, तो ये आएगा 6b माइनस 3/2 b2 प्लस अंडर रूट 3/4 b2। ये a आ गया आपका, इसको अब डिफ्रेंशिएट करना, आपने dA/dB निकालना है, तो कितना आएगा, 6 माइनस 3b प्लस अंडर रूट 3/2 b, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू आएगी आपकी 12/6 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो ये कितना आएगा, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 3/2, यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है, और ये क्योंकि नेगेटिव आ गया आपका, तो देयरफॉर एरिया क्या है हमारा, मैक्सिमम है बी पर, बी हमारा कितना था, बी हमारा ये वाला था, तो ये वाली जो बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू आपने इस ए में डाल देनी है, इस ए में डाल देनी है, और ए आपने निकाल लेना है, तो इस तरह से ए आएगा आपका 18 माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी मतलब कि सेक्शन सी के थोड़े कुछ क्वेश्चन की डिस्कशन थी, जो बाकी के बचे क्वेश्चन हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो बच्चों आप इनको एक बार रिवाइज़ कर लेना, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।